तो मॉर्निंग ब्लॉग की शुरुआत चाय के साथ करते हैं। और सारा काम हो गया और आज इतना फॉग बाहर में हो रखा है कि क्या बोले, बहुत ठंड है बाहर। तो पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद से नाश्ता बनाएंगे। नाश्ते में आज बनेगा पास्ता, बहुत दिन हो गए पास्ता बने हुए, तो वही पास्ता बनेगा। और फिर उसके बाद से देखते हैं आगे का जो भी रूटीन रहेगा आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले चाय एंजॉय करते हैं, मेडिसिन तो हमने ले लिया है। तो पास्ता भी बॉयल हो गया, और यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ हमने कट कर ली है। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर को भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया। इसी में हरी मिर्च, नमक और चीनी थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया है एक साथ ही। थोड़ा सा आलू भी डालेंगे, और यहाँ पर हमने फ्रेश हरा धनिया धो करके रख लिया है। तो चलिए यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है, थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। वैसे भी सरसों के तेल में बनाएंगे तो पास्ता नहीं चिपकता है। तो चलते हैं फटाफट से बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आलू को थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, मैं कैसे पास्ता बनाती हूँ, आप सभी अपना देख लीजिएगा आप सभी कैसे बनाते हो। तो मैं घर में घरेलू तरीके से कैसे बनाती हूँ पास्ता, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आलू यहाँ पर थोड़ा सा भून गया है, अब यहाँ पर डाल देंगे प्याज, शिमला मिर्च डालकर इसे भी हल्का भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च, हरा प्याज, स्प्रिंग ऑनियन है थोड़ा सा इसे भी डालेंगे, इसे हम लास्ट में डालेंगे। तो ये रहा पास्ता का फाइनल लुक। अब चलते हैं सभी के लिए प्लेट में निकाल कर सभी को देते हैं। सिंपल तरीके से बना हुआ पास्ता, अब अमरूद खाने का टाइम है। नाश्ता मानी तो हो गया, ये अमरूद खा लेते हैं। थोड़ा सा काला नमक, रेडी हो गया। चलते हैं धूप में बैठकर इसे एंजॉय करेंगे। लेगी एकदम, बहुत ही काफी ठंड वाली हवा चल रही है। तो नमक मिर्ची लगाकर लेकर आ गए हैं अमरूद को, इसे एंजॉय करते हैं। बहुत ही पसंद वाला फल है, पहले तो मैं इसे बहुत खाया करती थी, अब अचानक से पता नहीं क्यों अब ऐसा मन नहीं होता है। पहले मन करता था तो मिलता नहीं था, अब हम खरीद पाएंगे तो मन ही नहीं हो रहा है। तन्नी चली गई स्कूल, उसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ बैठते हैं आराम से और इसे एंजॉय करते हैं। आलू मटर की सब्जी बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की सब्जी दोपहर के खाने के लिए बना रहे हैं। दाल चावल तो बन गया है, मसाला और सब्जी अच्छी तरीके से भून गया है, बस थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो अभी आ गए हैं किचन में, और ये चावल मैंने भिगोया था 1 घंटे के लिए, और इसे सूखने के लिए हमने डाल दिया था, लेकिन अभी तक ये सूखा नहीं है पूरी तरीके से, हल्का हल्का ये गीला ही है। तो इसका बेसिकली हमें पाउडर बनाना है, इसे पीस लेते हैं। इसका पीठा बनाएंगे, कहते हैं कि पौष महीने में पीठा बनाना चाहिए, तो इसका हम आटा बनाते हैं। चावल का आटा तैयार कर रहे हैं घर पर ही, और इसका पीठा बनाएंगे।
तो बंगाली स्टाइल में पीठा बनाएंगे, जिसको दूध पोली पीठा भी कहा जाता है। तो चलिए उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, ये पिसा हुआ रहेगा तो बनाने में आसानी रहेगी। नारियल और खजूर गुड़ की स्टफिंग तैयार करके इस पीठे में, और फिर इसे दूध में उबाला जाता है। तो ये बंगाली स्टाइल पीठा है, ट्राई करेंगे। तो उसी की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। इसे पहले पीस लेते हैं, चावल का पाउडर बना लेते हैं। चाल लेने से क्या होगा, आटा बिल्कुल महीन हो जाएगा। चाल लेने से देखिए बिल्कुल महीन हो गया है चावल का आटा। और ये गोविंदो भोग राइस का चावल है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये अपना खाना लेकर चले आए हैं, रोटी ऑमलेट और तड़का कल का बचा हुआ था, तो खाना एंजॉय करते हैं। तो अभी गई थी छत पर बैठकर ऑमलेट बना ली, और बहुत सर्दी लग रही थी, बहुत ठंड है ऊपर में, फिर भी ऊपर ही गैस चूल्हा था तो ऊपर ही मैंने बना लिया। सभी को मैंने खाना दे दिया, सब कोई खाना खा रहे हैं, और इधर मैं भी अपना खाना लेकर चली आई हूँ। खाना एंजॉय करते हैं, और आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से कल एक नए फ्रेश इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, नंबर 1।